जो नेट निज़ाम जिनका इस्तांबुल में देहांत हुआ उनके शव को यहाँ से बायर लेकर आया जाएगा और एयरपोर्ट से सीधा जो है यहाँ पे उनको पूरा जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और स्पॉट के हिसाब से उनके शव को यहाँ पे लाके इस चौमुल्ला पैलेस से हॉल में रखा जाएगा। तो आज रात को जो है केवल उनके नज़दीकी जो परिवारजन है या सगे संबंधी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे आने की परमिशन उन्हीं के परिवार वालों की तरफ से दी गई है। कल सवेरे जो है सुबह 8 बजे से और 1:30 बजे तक, कल सुबह 8 बजे से 1 से 1:30 बजे तक उस समय यहाँ पे जो कॉफिन रहेगा इसको देखने के लिए पब्लिक आम जनता जो भी आना चाहे वो अपने यहाँ आकर के अपना लाश इसका उसके बाद में है जो है यहाँ से कॉफिन को लेकर के और यहाँ से बाय फुट जो है निकला जाएगा। करीबन 1 किलोमीटर की यहाँ से यात्रा होगी। इस किलोमीटर के दौरान भी अगर कोई पब्लिक से या कोई भी लोग जो है उनको अपना रिस्पेक्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आखिर में जो है ये मक्का मस्जिद पर समाप्त होगा और मक्का मस्जिद पर 4:45 पर जो नमाज अदा होगी उसके ख़त्म होने के बाद में और फिर वहीं पर जो एक ग्रेवयार्ड तैयार किया गया उसमें इनके बॉडी को वहाँ पे दफनाया जाए। तो इसके पहले जो निज़ाम साहब लोग रहे हैं उनके फादर फोर फादर्स को भी उसी जगह में वहाँ पे दफनाया गया। तो परिवार की जो है सहमति और रजामंदी से ये फैसला लेकर के और वहाँ पे उनको बरी किया जाए। तो उसके साथ ही ये कल कार्यक्रम फिर समाप्त। सर रूट कैसे? ये रूट है यहाँ से जो है कल दिन में 1:30 या 2 बजे के करीब यहाँ से कॉफिन को लेकर यहाँ से इस मेन गेट से निकल के राइट होते हुए कौन सा शाह मंजिल जंक्शन वहाँ से राइट टर्न फिर पंचमहल और पंचमहल से होते हो कमान होते हो मक्का मस्जिद। देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी अभी तैयारी कर दी है। सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक वाले भी अपना पूरा अलर्ट हो गए हैं। हमारा बंदोबस्त पूरी तरह से तैयार है। TIP आने से कोई भी आने से हम पूरी तरह से सही तरीके से उनको पूरा सिक्योरिटी और कार्यक्रम को अच्छे से कर पाते हैं। Gracias.